मॉर्निंग गाइस, 9:15 वी आर गोइंग टू द सैलून। थोड़ी देर में मिलते हैं। घर में सब सो रहे हैं। सोनाली को अभी जस्ट उठा के आया हूँ क्योंकि गरिमा उठ गई है एंड आई नेवर वांटेड हर टू स्टे अलोन क्योंकि वो हंस रही है एंड नॉट कीपिंग वेल। चाय कॉफ़ी पिए निकले हैं। उम्मीद करता हूँ कि भैया टाइम से सैलून से फ्री हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक तो नाश्ता भी नहीं किया है, दूसरा ये है कि बीइंग संडे आई नो भैया सैलून में भीड़ होती है, सो दैट्स चलो कोई ना, देखेंगे अगर भीड़ होगी। अभी लोग बैठे होंगे तो घर वापस आ जाएंगे चाय पानी करने के लिए। भाई लोग 10 बजने को आए, फटाफट फ्री हो गए हैं। एक भी बंदे या वेटिंग के लिए नहीं खड़ा था, अपने पहुंचे और अपना नंबर आ गया तो फटाफट फ्री हो गए। लगा तो शेव भी करवा लिया और बाल तो उतार ही लिए। अब घर जाएंगे, कोई उठाए तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाएंगे। मशीन लगा दी है और मम्मी ने कॉफ़ी भी दे दी है। मिल गया फाइनली हेल्दी ब्रेकफास्ट इतने दिनों बाद। पापा और सोनाली गरिमा को क्लिनिक ले गए हैं और आज भी उस बेचारी बच्ची को नेबुलाइजर लगेगा बिकॉज उसका कोल्ड और कफ जो है वो जा नहीं रहा है, इवन दो द मेडिकेशन इज बीन गिवन। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक सीरियसली दिस पीपल हैव टू डू वन थिंग, डोंट गिव हर चॉकलेट्स, डोंट गिव हर केक, घी, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी थी, जूस वूस बाहर का। मैंने उसके लिए सब घर में प्रोविजन करके रखा था, फिर भी मेरे पीछे से आए और मेरे बच्चे को इन लोगों ने ये सब अनाप शनाप चीज़ें खिला दी। अब उसकी सर्दी नहीं जा रही, उसकी खांसी नहीं जा रही, अब खामा का उसको नेबुलाइजर लगेगा, 3 डोज होंगे उसके, कुछ नहीं तो आधा आधा घंटे के, जिसमें 20-20 मिनट का उसको ब्रेक देना होगा। सो इट्स 1 राइट नाउ एंड मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा 3:30 से पहले आ पाएगा, मतलब उसका खाना पीना आराम पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया। एंड नाउ आई एम लाइक आई सेड, अब नेक्स्ट मंथ उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है नर्सरी है बट स्टिल भैया बच्चे को अच्छे से परफॉर्म तो करना पड़ेगा। अब क्या बोले, बज रहा है और हमारी बैंड बज गई है और बैटरी पूरी उतर गई है और मम्मी ने शाम की कॉफ़ी दे दी है। हाँ जी भाई लोग, टाइम हो रहा है 7:30। थोड़ी देर आराम किया, कमर सीधी करी, दैट्स इट, नींद भी तो नहीं करी। अभी सीन ऐसा है कि सोनाली और पापा दोनों लेकर गए हैं गरिमा को डॉक्टर के पास। मॉर्निंग में नेबुलाइजर यूज़ किया है, अभी फिर यूज़ करेंगे। डॉक्टर इज सेइंग दैट द किड्स आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम अ नॉर्मल कॉमन कोल्ड दीज डेज। जब कफ हो जाता है वी ड्राई और वेट कफ, सो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर किड्स। एंड क्योंकि भैया उम्र कम है सो दे आर कैचिंग द इन्फेक्शन वेरी इजिली। सो अभी वापस उसको लेकर गए थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास। आई फील बेटर देन गिविंग मेडिसिन, उन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, बट प्रॉब्लम इज दीज डेज दे डोंट लाइक फ्रूट्स, दे डोंट लाइक जूसेस। भैया पैकेट का कुछ भी दे दो, बीट जूस, बीट चिप्स, बीट चॉकलेट, दबा के खाते हैं, लेकिन घर का खाना पीना एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो टुकड़े टुकड़ों में खाना खा रहे हैं। इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी एंड यार कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब हो गया, इससे रिकवर नहीं कर पा रहे। एंड नेबुलाइजर ठीक है, डॉक्टर्स आर सेइंग इट्स इसकी आदत नहीं होती है, बट स्टिल आई मीन सर्दी खांसी जो है आपका बॉडी सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट इट शुड यू नो। हम लोग ने भी देखो इस बार खूब सारी दवाइयाँ ली है जस्ट फॉर अ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, ऑलमोस्ट एक एक महीना जैसी दवाइयाँ चली है। सो आई डोंट नो, प्रोबेबली ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी या कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी से थोड़े स्नैक्स मिले हैं क्योंकि डिनर थोड़ा लेट होगा आज। रीज़न ये कि खाना नहीं बना है, खाना इज़ रेडी, लेकिन मेरे पापा और सोनाली हैं, दे आर आउट, सो दैट इज़ द रीज़न वाई डिनर थोड़ा लेट होगा। इट्स ऑलरेडी 9:15, वी डोंट नो व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड बैक। मेरे पीछे से हिमांशु ने और डैड ने जो जो असाइनमेंट्स निपटाए हैं बी इट कांडलाइन बंद्रा, उनके जो वीडियोज़ हैं वो ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल चेक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैटर्स अ लॉट। इज़ अ वेरी गुड चांस गरिमा कल स्कूल नहीं जाएगी बिकॉज आज 2 टाइम उसको नेबुलाइजर दिया, मैं नहीं चाहता वो स्कूल जाए, फिर और कोई इन्फेक्शन पकड़ ले, फिर वापस से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। सो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कल उसको हम नहीं भेजेंगे, लेट हर रेस्ट फॉर 1 डे, लेट द मेडिसिन इफेक्ट हर प्रॉपरली, देन मे बी टुमारो डे आफ्टर हम उसको भेज देंगे स्कूल।
तो या किसी को लगता है कि भैया विक्रम राठौड़ के ऊपर भी एक पिक्चर बननी चाहिए, ऑसम कैरेक्टर डिजर्व्स एन ऑसम मूवी, देखें कभी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं। ये सफ़ेद टोपी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, कल लगता है जाके दूसरी लेनी पड़ेगी। या शॉप जिधर से भैया मैंने परचेस किया ना, स्ट्रीट वेंडर ही है, आई बाय इट फ्रॉम हिम ओनली, सो 100-150 रुपीज़ का पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास जो दूसरे कैप्स थे अच्छी क्वालिटी के, वो सब डार्क कलर्स के थे, एंड डार्क कलर इज़ लाइक गर्मियों में यार इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी। सो मैंने सोचा लाइट कलर लेंगे, लेकिन ये तो एक दिन में गंदी हो रही है। कल जाएंगे कुछ और परचेस भी करेंगे।